हेलो गाइज, दिस इज सूर्या एंड वाचिंग सुपर सीक्रेट टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरह आप अपने फ़ोन की सारी एड्स बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग ऐड से बहुत परेशान होंगे, और जब भी आप मोबाइल चलाते हैं या कोई गेम खेलना चाहते हैं या कोई ऐप आप इम्पोर्टेंट काम के लिए खोलते हैं तो वहाँ पे आपको एड्स परेशान कर देती है, या वेबसाइट कोई भी ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एड्स वगैरह बहुत ही परेशान और तंग कर देती है, जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। तो आज मैं ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जो एक ही बार में सारी एड्स आपको यहाँ से गायब कर देगी, यानी कि ब्लॉक कर देगी हमेशा हमेशा के लिए। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में और मैं बताता हूँ कि किस तरह आप या छोटी सी काम करके आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं और बिल्कुल सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूं और आप लोगों को यहां पे बताने की कोशिश करता हूं, कुछ नया ट्रिक लाते रहता हूं, मैं रिसर्च करते रहता हूँ। और यहाँ पर मैं बिल्कुल नया यहाँ पर रिसर्च करके यहाँ पर कॉन्टेंट लाता हूँ, कैसे कॉपी नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत मुझे टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे ब्लॉक अड्डा करके, तो उस पर आपको जाना है, या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ब्लॉक अड्डा .org लिखा हुआ है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो दिख रहा है डाउनलोड ब्लॉक अड्डा वर्जन 4.4 का, तो आपको इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे से दिखा देता हूँ और यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ से मैं इंस्टॉल करके आप लोगों को बता रहा हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है, तो कुछ टाइम लगेगा और यह इंस्टॉल हो जाएगी। यह इंस्टॉल हो गई है, तो आपको यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दे करके बताता हूँ मैं क्या करना है इसमें सेटिंग। तो सबसे पहले ओपन कर देता हूँ मैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे एक ऐड ब्लॉकिंग का बटन दिख रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हॉस्ट लिस्ट एक दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे हॉस्ट लिस्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से एक के नया हॉस्ट लिस्ट बनाना है। तो आपको सिंपली इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे डोमेन्स पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेकेंड लिंक मिलेगा, उसको आपको वहाँ से कॉपी करना है उस लिंक को, और उसको कॉपी करने के बाद आपको फिर उसी एप्लीकेशन में आना है और आपको यहाँ पे जो पूछ रहा है, डोमेन्स मांग रहा है, आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हैकर, और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यस, यानी कि इनेबल है। तो आपको इस सबको ऐसे ही छोड़ देना है और आपको जो आपने अभी अभी बनाया है उसको यस कर देना है, क्योंकि अभी आपने जितने भी जो लिंक अभी अभी कॉपी किया है, पेस्ट किया है, नया हॉस्ट लिस्ट बनाया है, तो उसमें सब चीज़, हर चीज़ जहाँ से ऐड आती है, जहाँ जो ऐड ऑर्गेनाइज करता है या बिल्ड करता है, वो सब का लिंक यहाँ पे इसी लिंक में ऐड होगा। आप चाहें तो उस लिंक को जो आपने अभी कॉपी किया है उसको ओपन करके भी देख सकते हैं ब्राउज़र पे। तो इतना करने के बाद आपको सिंपली बैंक आना है। बैंक आने के बाद यहाँ पे लॉगिन इज पोस्ट लिखा हुआ है, तो आपको फिर से बैंक आना है और यहाँ पे आपको ब्लॉक एड एक्टिवेटेड लिखा, तो यहाँ से आपको एक्टिवेट करते ही सब ब्लॉक सब ऐड आपको यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, कोई ऐड्स नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसको ऑफ़ करके, मैं कुछ एप्लीकेशन मेरे पास है तो मैं इन दोनों को ओपन करके मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐड पहले अभी आ रही है। देख लेते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे अभी ऐड शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन जो है यू डिक्शनरी, मैं इसको भी ओपन करके मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ऐड शो होगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो गया, तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे इसको, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐड यहाँ पे शो हो रही है।
अभी यहाँ पे ऐड शो हो रही है, आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। तो अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर से आपको उसी एप्लीकेशन में जाना है और आपको यहाँ पे जो डीएक्टिवेट का बटन दिख रहा है आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। यहाँ से इसको एक्टिवेट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ एक्टिवेट हो गई, आप लोग यहाँ पे पॉपअप इसका देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक भी दूर हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको वही एप्लीकेशन फिर से ओपन करके बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐड आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ और आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे कोई ऐड है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मैं सेकेंड वाला एप्लीकेशन को भी ओपन करके बता देता हूँ कि इसमें भी कोई ऐड नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे वो ऑन है, एक्टिवेट हो गया है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई ऐड आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी इसमें भी। तो ये तो रही कि आप कोई भी ऐप में आपको कोई भी एड्स किसी भी प्रकार का एड्स शो नहीं होगी। तो अगर आपको ब्राउजर्स यानी कि यूट्यूब वगैरह पे भी ऐड आती है तो उसको आपको कैसे क्लोज करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सिंपली इसमें सर्च करना है गूगल अकाउंट्स। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल अकाउंट और यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको गूगल अकाउंट का लिंक दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो आपका परमानेंट मोबाइल में जो ईमेल लॉगिन होता है उसी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। आपके यहाँ पे डेटा इनपुटाइजेशन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन कर कर और यहाँ पे आपको पर्सनलाइजेशन, तो आपको यहाँ पे कुछ ये देख रहे होंगे यहाँ पे ऑन है तो आपको यहाँ पे सिंपली इसको ऑफ करना है। तो यहाँ पे गो टू ऐड सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे वेबसाइट जो है आपके मोबाइल में रन कर रहे हैं और इतने अगर आप ये सब में कुछ भी यूज करते हैं गूगल की तरफ से तो आपको इस सब में ऐड शो होगी। तो आपको इसको ऑफ कर देना है यहाँ से, इसको ऑफ यहाँ पे टर्न ऑफ के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे गॉट इट कर दें। ये ऑफ हो चुका है तो आपको यहाँ पे कोई भी ऐड शो नहीं होगी। आपको जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन अभी दिख रहा था, वेबसाइट दिख रहा था, वो सब ऑफ हो गई है, वहाँ पे आपको कोई ऐड नहीं दिखेगी। तो कैसे लगे वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को रिसर्च करने में और मैं यहाँ पे हमेशा एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।